डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस के पार्ट टू वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिसमें वी आर गिवन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, वाई इक्वल टू दिस मच, और हमें दो चीज़ें प्रूव करना है, कभी ये पूछते हैं और कभी ये पूछते हैं, तो हम दोनों चीज़ें प्रूव करेंगे। और क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 2013, 2014 और 15 लगातार तीन बार ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस 2013 में ये भी और 2013 में वो भी बता देता हूँ, तो इसका मतलब है ये अलग सेट में आया है, वो अलग सेट में आए होंगे, तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि सारे क्वेश्चन क्या उसी साल आ गए। नहीं, ऐसा नहीं, और हम सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए आगे के लिए माइलस्टोन साबित होंगे। तो इसमें आप सोल्यूशन लिखें, लेट्स कम टू सोल्यूशन डायरेक्टली। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लें, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसका ऑल्टरनेट प्रूफ भी है जिसमें इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पैरामेट्रिक टेक्निक से कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। आप उससे भी कर सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये आपके पास है नंबर वन, ये नंबर टू है। अब आप देखिए डी एक्स बाई डी थीटा क्या है आपका, डी एक्स बाई डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये अगर आप देखें तो कोइंसिडेंटली उससे मैच कर रहा है, तो अगर इसमें से माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस वाई के बराबर। अगर आपने उसको नंबर नहीं दिया और आप यहाँ कोट करने चाहते हैं कि हमने किससे लिखा, तो आप इसको नंबर दे दें, इसको भी दे दें, इसको स्टार दे दें और इसे डबल स्टार दे दें, और यहाँ पर लिख दें यूजिंग डबल स्टार या फ्रॉम डबल स्टार, तो ये आप माइनस वाई लिख दें। यहाँ पर देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज सिमिलर टू दिस एक्स, तो ये किसके बराबर हो गए, एक्स फ्रॉम टू। लास्ट क्वेश्चन जैसा भी कर सकते हैं आप, पर ये उससे भी आसान हो जाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा आपका, तो डी वाई बाई डी थीटा है आपका x है, और नीचे क्या लिखा है आपके, माइनस y, ये आपने कहाँ से लिखा, यहाँ से फ्रॉम वन एंड टू, तो चाहे तो आप कोट कर दें कि हमने वन और टू का यूज करके लिखे। अब इसको लिख सकते हैं आप माइनस x अपॉन y, क्लियर। अब इसे अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या होगा, तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन वाई। इसमें डी टी डिवाइड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पूरा फंक्शन अब तो x और y में ही चेंज हो गया है, तो ये देखिए डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस बाहर y का डिफ्रेंशिएशन y स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर स्क्वायर y कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x वन माइनस x कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज डी वाई बाई डी एक्स, कोशेंट रूल लगाया, y स्क्वायर को आप इधर भेज दें, विच इंप्लाइज, ध्यान दें, y स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस इंटू माइनस प्लस x डी वाई बाई डी एक्स। अब इन सबको उधर भेज दें, y2 d2 y by dx स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले इसको लिख देते हैं, माइनस x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। आप देखो फर्स्ट पार्ट हो गया होगा, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में क्या है हमें, देखिए सेकेंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वापस से इसका यूज करेंगे। तो इसको अगर नंबर नहीं दिया हमने तो इसको नंबर दे देते हैं हम थ्री। तो फिर से हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब मैं वापस यहाँ जाता हूँ, आपको देखिए नाउ फ्रॉम थ्री डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स क्या है आप देखिए, तो डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू आपके पास है, डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये वैल्यू रख दी माइनस एक्स अपॉन वाई होल अपॉन होल अपॉन, आप देखें यहां पर क्या है वाई स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लें, बस आपका आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और वाई जो ऑलरेडी वाई स्क्वायर और ये वाई मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा वाई क्यूब। ये वैल्यू आपने कहाँ से लिखी वो आप कोट कर सकते हैं, फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने कहाँ से लिखी माइनस एक्स बाय वाई ये यूज की। इसको अगर नंबर नहीं दिया है और हम स्टार डबल स्टार, तो इसको आप ट्रिपल स्टार कर दें। तो ये आ गया आपके पास फ्रॉम, और ये वैल्यू ली माइनस एक्स बाय वाई, किसकी वैल्यू ली हमने डी वाई बाय डी एक्स की ट्रिपल स्टार से माइनस एक्स बाय वाई, और एलसीएम लिया, आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड। देखा दोस्तों हमने कि आपने कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन था और कितना ट्रिकी था, हमने बड़े आराम से इसको सॉल्व किया और आपको क्वेश्चन समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत भी नहीं गई होगी। और आप ने देखा कि जिस तरह से इस क्वेश्चन को किया, इसमें हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में जो लास्ट कंसेप्ट यूज़ किया था उसका यूज़ नहीं किया। तो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें, और चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा दें ताकि ये उनकी रीच तक जाए और वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ तक, और इसे आप आगे बढ़ाएं ताकि आप कम्युनिटी सर्विस भी एक तरह से कर सकेंगे, दोस्तों की मदद करें, और जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स हैं इवन दे कैन बी बेनिफिटेड। विश यू ऑल द बेस्ट।